हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही पॉपुलर गाना, बहुत ही अच्छा गाना सिखाने जा रहा हूँ माउथ ऑर्गन पे, इसका लेसन देने जा रहा हूँ। तो इस गाने का मैंने वोटिंग कराया था और आप लोगों ने इस गाने को सबसे ज़्यादा वोट दिया था, और आज भी मैंने एक वोटिंग कराया था। मैंने कहा था कि अगर इस गाने को अगर 100 से ज़्यादा वोट मिलता है तो मैं इस गाने को अपलोड कर दूँगा, इस गाने का लेसन अपलोड कर दूँगा। तो 100 से ज़्यादा वोट इस गाने को मिले थे, इसीलिए आज मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ, इस गाने का लेसन। तो गाना है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, किशोर कुमार जी का बहुत ही फेमस गाना है। तो गाना सिखाने के पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो माउथ ऑर्गन का कंपटीशन किया था, तो प्राइजेस तो मैंने अनाउंस कर दिया है, विनर्स अनाउंस कर दिया है, और जिनका प्राइज़ है इस मंथ के एंड तक मैं कोशिश करूँगा आपको पहुँचाया जाए। मैं देखता हूँ किस तरह से आपको पहुँचाया जाए जो प्राइजेस हैं, तो इस महीने के एंड तक मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को प्राइज़ पहुंचाने की। तो गाना है मेरे सामने वाली खिड़की में, तो मैं इसे सुजुकी सॉन्ग स्टार पर बजा रहा हूं, आप इसे इस पर भी बजा सकते हैं, ये टावर का है, हारमोनिका है, अगर आपके पास टावर है तो आप टावर पर ही बजा सकते हैं, या कोई भी आपके पास हारमोनिका है, क्योंकि मैं सरगम में भी नोटेशन दूंगा, होल नंबर के हिसाब से भी दूंगा। अगर आपके पास 24 होल्स का माउथ ऑर्गन तो आप होल नंबर के हिसाब से बजा सकते हैं, अगर आपके पास 24 होल्स का नहीं है, कोई और माउथ ऑर्गन है 10 होल्स का, 12 होल्स का, 16 होल्स का, तो आप सरगम का जो मैं नोटेशन देता हूं आप उससे बजा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सरगम का आपको बजाना जानना होगा उस माउथ ऑर्गन पे, ठीक है? तो सरगम किस तरह से बजाते हैं मैंने लेसन भी दिया हुआ है, आप मेरे पहले और सेकेंड जो लेसन है आप उसे देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो पहले मैं आपको गाना सुना दूं, बजा दूं, फिर आपको मैं लेसन देता हूं। मैं कंप्लीट लेसन दूंगा, इंट्रो का, मुखड़ा का, अंतरा का। ये हो गया मुखड़ा, अंतरा, ठीक है? तो पहले मैं शुरू करता हूँ इंट्रो के साथ, आप इंट्रो में एक म्यूज़िक बजा सकते हैं इस तरह का, एक इस तरह का जो किशोर कुमार जी हे 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 हे, उसके लिए आप ये इंट्रो म्यूज़िक बजा सकते हैं। देखिए कहाँ से शुरू होगा, 9 नंबर होल से फूंक के आपको शुरू करना है, और फिर 9, 10, 10, 11 आपको बजाना है, ऊपर पी मतलब फूकना और के मतलब खींचना, ठीक है? और नीचे सरगम में नोटेशन दिया हुआ है, जो सरगम में बजाना जानते हैं वो सरगम से भी बजा सकते हैं। तो देखिए 9 नंबर में आपको थोड़ा सा लंबा खींचना है इस तरह से, ठीक है? सा रे रे ग, 9, 9, 10, 10, 11 ये बजाने के बाद फिर आप ये बजाइए 9, 9, 9 जल्दी जल्दी, फिर 9, 9, 9 जल्दी जल्दी, फिर 9, 9 जल्दी जल्दी, फिर 9 एक बार इस तरह से, ठीक है? तो ये एक साथ जब आप बजाएंगे तो इस तरह से होगा, देखिए, अब गाना शुरू होगा। ठीक है, तो इंट्रो का आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपको पहले बजाना है, हे 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 हे, ये निकल जाएगा, उसके बाद आप ये आपको बजा देना है, ठीक है?
9999999999999 9999999999 9999999 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
मेरे सामने वाली खिड़की में, 9 नंबर होल से गाना शुरू होगा फूक के, और फिर 10 में आपको खींचना है तो मेरे निकल जाएगा, सामने निकलेगा, 10, 11, 9 आपको बजाना है, 10 में खींचना है, 11 में फूकना है, 9 में फूकना है, तो सामने निकल जाएगा, वाली 9, 9, 8 आपको बजाना है, खिड़की में 6, 10, 10, 6 और 10 बजाएंगे तो खिड़की निकल जाएगा, और 10 में खींचेंगे तो मैं निकल जाएगा, इस तरह से। ठीक है, मैं टावर पे भी आपको दिखाता, देखिए ये टावर पे मैं आपको बजा के सुना देता हूँ। ये हो गया पहला लाइन, सेकेंड लाइन, एक चांद का टुकड़ा रहता है, ये हो गया सेकेंड लाइन। ठीक है, अफसोस है कि वो हमसे, अफसोस 5, 11, 10, 5 से आपको देखिए तुरंत 11 में आना है और फिर 10 बजाना है, कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, कुछ उखड़ा उखड़ा, देखिए कुछ कैसे निकलेगा, 8, 8 में 2 बार आपको खींचना है, और उखड़ा पहला उखड़ा 8, 8, 8 में आपको खींचना है 3 बार, सेकेंड उखड़ा 9, 10, 11, 9 में फूकना है, 10 में खींचना है, 11 में फूकना है, और रहता है 9, 9, 9, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया मुखड़ा, आप इसे अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट दे दीजिए, आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आता हूँ अंतरा पे। ठीक है, अच्छा बीच में आप एक इंटरल्यूड म्यूजिक बजा सकते हैं, वही वाला, वो जो मैंने पहले वाला बताया आपको, ये वाला आप फिर से बजा सकते हैं, ये म्यूजिक आप इंटरल्यूड बजा सकते हैं, फिर आप ये मुखड़ा शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगेगा। बरसात भी आकर चली गई, कहाँ शुरू है, देखिए 9 नंबर होल से फूक के शुरू हो रहा है, 9, 11, 13, तीनों में आपको फूकना है तो बरसात निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, चली गई, चली 10 और 11, 10 में खींचना है, 11 फूकना है, गई 14 और 13। ठीक है, नेक्स्ट, बादल भी बरस कर बरस बादल भी गरज कर बरस गए, ठीक है, पर उसकी एक झलक को हम, हुस्न की मालिक तरस गए, ए 13 नंबर होल से फूक के शुरू करना है, हुस्न के 13, 10, 10, 13 में फूकना है, 10, 10 में खींचना है, के 10 नंबर होल में खींचना है, के निकल जाएगा, मालिक 11, 12, 13 बजाना है आपको, तरस गए 12 और 11, 12 में खींचना है, 11 फूकना है, और गए 11, 11 में 2 बार फूकना है, इस तरह से। अब
कब आँख कब प्यास बुझेगी आँखों की। ठीक है, कब आँख बुझेगी, देखिए बुझेगी एट एट टेन, आपको तीन बार खींचना है, एट एट में दो बार खींचना है, टेन में खींचना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिन रात ये दुखड़ा रहता, ठीक है, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। 10 13 13 12 11 10 10 9 9 9 सरगम बजाना चाहते हैं तो रे पापा म गरे रे सा सा सा, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। रहता है लास्ट में, तीन बार नाइन में फूकेगा तो निकल जाएगा। फिर से मुखरा जाइए मेरे सामने वाली खिड़की में। ठीक है, तो बाकी जो अंतरा है सेम पैराग्राफ है, सेम ट्यून है। अगर पहला पैराग्राफ आपने जान लिया तो बाकी सबका वही सेम आपका होल्स बजेंगे और सेम नोट्स बजेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।